तो इसके ऊपर जितनी भी ब्लॉकचेन आई है इस एक्सचेंज के ऊपर, सबके नोड होस्ट है, किसी का भी एपीआई यूज नहीं किया। वरना मोस्टली एक्सचेंजेस क्या करती हैं, एपीआई यूज करती हैं इजी वे में। यहां पर इस टीम ने इस एक्सचेंज को बनाने में एक साल लगा है, एक साल बाद जाके ये प्रोडक्ट बना है। सर स्पीड दिखाना जरा ट्रेडिंग पेज पे, बहुत तेज जी। अब ये स्पीड आप चेक कीजिए, ये आपको बाइनांस पे भी ये देख रहे हैं आप, बहुत तेज है सर। ये लाइव रेट चल रहा है बिटकॉइन का, ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, और ये बाइनांस का है। अभी अपने वाली चीज पे सर बिटकॉइन की ट्रेड हो रही है सर, अभी कल से लाइव हो जाएगा आपका एम कॉइन भी, अब इसी के ऊपर डिपॉजिट होगा। जो भी आप मीथर के अकाउंट से विड्रॉल लगाएंगे, आपको पहले ट्रेड बिट के ऊपर जाएगा, ताकि ट्रेड बिट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाए, और ट्रेड बिट से आपको फायदा भी मिलेगा। ट्रेड बिट के ऊपर अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ तो मैं $1,000 तक कमा सकता हूँ रेफर करने से। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे मैंने सर को ट्रेड बिट के लिए रेफर किया, तो इनको मैं ट्रेड बिट कॉइन मुझे स्टेक करवाना है इसी एक्सचेंज के ऊपर। अगर मैं 500 ट्रेड बिट कॉइन स्टेक करवा देता हूँ $500 के, तो मुझे $50 मिल जाए। हाँ कर सकते हैं सर, स्टेक करवाना है ना। अभी $1 पे ट्रेड बिट कॉइन लॉन्च हो रहा है, और वो तकरीबन $5 इस साल एंड तक ही हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर सडनली ट्रैफिक आएगा सारा का सारा। जो एम कॉइन का ट्रैफिक है, जो मीथर का ट्रैफिक है, जो नेक्सा राइज का ट्रैफिक है, वो हर आदमी ट्रेड बिट कॉइन को बाय करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बैंक है, ये समझ लो मीथर ने क्रिप्टो बैंक ओपन कर दिया। एक्सचेंज का मतलब समझते हैं आप, बैंक, क्रिप्टो बैंक ओपन कर दिया। तो इस पे आप अपना अकाउंट बना के अपनी केवाईसी वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशंस भी इस मंथ एंड तक आपको मिल जाएगी, एंड्रॉइड भी और आईएस ऐप भी मिल जाएगी। जाना सर अभी अस्थिर है सर, अभी अस्थिर इस तरह से सर, डिपॉजिट हो रहा है अभी, ट्रेडिंग शुरू नहीं है उसकी, कल से शुरू हो जाएगी। तो क्या सर हम अगर किसी चीज को विड्रॉल मारना चाहेंगे तो नहीं होगा? सर अभी आपको सिर्फ ट्रेड बिट और अर्थ बिट का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने कहीं और लेके जाना है तो ट्रेड बिट से आप लेके जाएंगे, रूट बना लेंगे। जैसे हम पहले वॉलेट में ले लेते हैं, फिर वॉलेट से हम ट्रांसफर करते हैं, दोनों से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है कंपनी के, अब स्मार्ट में फैन तो आप लोगों ने कहीं मंगाया होगा, 150 फैन क्या बात, दुकान खोल ली क्या? बिल्कुल सर, एजेंसी तैयार है, हमें तो बहुत कंप्लेन आती है, कंप्लेन तो हमारे यहाँ क्योंकि अभी जो है वो सर अब वाले फाइल में नहीं है, लेकिन पीडी वाले अब वाले फाइल में नहीं, पहले वाले में थे, पहले वाले में नहीं था, सेकंड वाले जो सेकंड लास्ट थी ना सर, उसके उसके कुछ जो है पार्ट गलत बजाया, उल्टा हो गया, दो रात रहा है इंजीनियर। अच्छा, असेंबल करने में दिक्कत हुआ होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई लोग अपने नए भी हैं, ये पहली कंपनी है, आप गूगल करेंगे गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई BLDC मोटर, पहली बात तो BLDC मोटर का सीलिंग फैन है और विद बैटरी बैकअप, पावर बैकअप के साथ। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका इन्वर्टर डाउन हो जाता है, तो आपका ये सीलिंग फैन तकरीबन अप टू 10 आवर्स चले, 10 घंटे, अगर फुल स्पीड पे आप चलाते हैं तो 2 से 3 घंटे निकालेगा, अगर मीडियम स्पीड पे चलाते हैं तो 7 से 8 घंटे निकालता है, दो नंबर पे 12 घंटे, 3 नंबर पे 6 घंटे, हाँ मतलब कुछ ऐसे चलता है सर, बढ़िया चलता है, अप टू 10 आवर्स। मेरे घर में सारे
मैजिक फैन लगे हुए हैं, लेकिन मैजिक है सर, वास्तव में मैजिक। हाँ, और मैंने अपने घर पे एसी भी लगा लिया है ताकि टेस्टिंग हो जाए। तो मैं हाँ 450 रुपए मात्र एक महीने का बिल आया उस एसी का। एसी रहेगा तकरीबन 1100-1100 डॉलर। हाँ, लेकिन वो पैकेज में ही रहेगा ना आपके, आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे, एसी भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में लॉन्च हो जाएगा, और ये पेटेंट होगा प्रोडक्ट जो होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपसे प्रोडक्ट ऐसा है, देखिए जो सप्लीमेंट्स है, तेल साबुन, ये तो सारी कंपनियां बेच रही हैं, सही बात है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में कोई नहीं देगा ना। तो आपको अब वो जो एसी है वो सोलर एसी है, उसकी जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 48 वॉट है। 48 वॉट के ऊपर आप कभी एसी चलता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप हाँ 48 वॉट आपके गांव इंटीरियर में जहां पर 150 की बिजली आती है ना, 100-125 उधर भी चलेगा। दो टन डेढ़ टन। अच्छा सर, दो टन से ही स्टार्ट है कि इससे कम भी है, डेढ़ भी है, एक भी टन भी है। और कूलिंग इतनी अच्छी है उसकी, उसका कभी भी आउटडोर बंद नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना कम बिल आएगा, जितना कम यूज करोगे उतना कम नहीं आएगा, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना कम बिल आएगा। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी, और उसमें और भी कंपनी इनहांसमेंट कर रही है कि मतलब कल के दिन को और भी लोगों को फायदा मिल जाए। अभी एक एसी का बिल, अगर आपके घर में 4 एसी लगे हैं, अगर वो 12 से 14 घंटे भी चलते हैं, आपका बिजली का बिल 4000 को क्रॉस नहीं करेगा। आदमी एसी से क्यों डरता है, बिजली के बिल से डर सकता है, एसी से थोड़ी डर। एक एसी से 4000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ है। उसके बाद ऑन डिमांड ऐप, ये ऑन डिमांड ऐप जो है आपको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ऑन डिमांड में कंपनी ने गीगा प्लेयर बनाया था, गीगा प्लेयर का मैं एपी के भेज दूंगा जायसवाल जी को। जायसवाल जी आप 30 लोगों के साथ शेयर करेंगे उस एपी के को, और एपी के आप अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उस एपी के अंदर क्या फायदा होगा, गीगा प्लेयर ऐप के अंदर आप एक ही टाइम पे अपने मोबाइल पे 4 स्क्रीन चला सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे मैच, न्यूज, कोई नाटक और कोई मूवी चला सकते, मोबाइल पे चार, जैसे टीवी पे अलग अलग। हाँ, तो गीगा प्लेयर इन्होंने बनाया है, और वो गीगा प्लेयर में तकरीबन आपको 30,000 मूवीज मिलेंगी और 5,000 चैनल्स मिलेंगे लाइव देखने से, ठीक है। मैजिक बॉक्स की जरूरत नहीं, मैजिक बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सर? मैजिक बॉक्स के अलग फीचर्स है ना, अगर ऑटोमेशन रहेगा, घर में रहेगा। हाँ, नहीं, मैजिक बॉक्स को भी 2.0 जो आया है ना, हाँ। अभी दुबई गया है, वो दुबई लोगों को सर्कुलेट हुआ है, उसमें और टेस्टिंग होके उसको और इनहांस कर दिया गया है। इस मंथ एंड तक जो आपको मैजिक बॉक्स मिलेगा ना, आपने अपने घर के होल्डर पे से पीछे एक छोटा सा वो लगाना है, और आपने अगर कमांड दी मैजिक बॉक्स को कि मतलब लाइट बंद हो जाए तो लाइट बंद हो जाएगी, सर वॉइस कमांड से चलेगा, ऑटोमेशन पे चलेगा। प्लग में नहीं लगाना है, बोर्ड के पीछे लगेगा, कनेक्शन मेन वायरिंग में लग जाएगा वो, ठीक है। सर कब तक मिलेगा, पेंडिंग है 5-6 पीस का इसका मैजिक बॉक्स, इस मंथ एंड तक डिस्पैच होना शुरू होगा, नेक्स्ट मंथ 15 तारीख तक मान के मिल जाएगा। हां, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले आपको। मैजिक बॉक्स और मैजिक फैन और ये मैजिक एसी, मैं गारंटी दे सकता हूँ तीनों आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पहली बात, जिन्होंने मैजिक फैन खरीदा था उनके पैसे पूरे भी हो चुके हैं कॉइन की वजह से, ज्यादा हो गए, ठीक है। पहली ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट के पैसे लेने के बाद आपको ऐसा कैशबैक दे रही है, प्रोडक्ट भी आपका, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी, और जितने का आपने सामान लिया अभी 6 महीने नहीं हुए और उससे ज्यादा पैसा आपकी जेब में आ, क्योंकि जब मैंने भाई करवाया तो था भी नहीं, पता पूरा पूरा आ जाता था, 80,000 की पूरी पैसा।
सर ये टैप कब कब तक आने वाला है? सर टैप अपकमिंग है, ये ट्यूटर्स LMS इनेबल होगा इसके अंदर। टैप और फोन ये दोनों लास्ट मतलब ये नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होंगे मिड में। ब्लॉकचेन फोन भी आएगा और टैप भी आएगा। अब ये जो गेमिंग ऐप है जो मैंने आपको बताया, गेमिंग में स्किल्ड गेम आ रही है। स्किल्ड गेम क्या है? ड्रीम इलेवन खेलते हैं कोई आप? जी सर। ड्रीम इलेवन इस तरह की एप्लीकेशंस कंपनी लेके आ रही है और आप अपने एम कॉइन से ये सारी गेम्स प्ले कर पाएंगे। और अगर आप विन करेंगे तो आपके एम कॉइन प्लस हो जाएंगे और अगर आप लूज करेंगे तो आपके एम कॉइन माइनस हो जाएंगे। सर ये स्किल गेम। हाँ देखिए यूटिलिटी, आज हम बात करते आ रहे हैं कि क्रिप्टो में यूटिलिटी होती है, लेकिन देखिए आपने कहीं यूटिलिटी? नहीं। आप जाओगे बिटकॉइन लेके कोई एक्सेप्ट करता है? कोई नहीं करता है। उल्टा जो बाद में प्रोजेक्ट आए उनकी यूजिबिलिटी बन गई, तो उसने सिर्फ एक माहौल बनाया। लेकिन जो कई प्रोजेक्ट हैं जो बाद में रियल, अब traveler.com है, traveler.com किसकी एवलांचे की है? जो ABA कॉइन वाला है उसकी traveler.com। पूरा टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसने उस कॉइन के साथ जोड़ दिया। तो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज नहीं। तो ये मीथर का इकोसिस्टम है। अब मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताओ, अगर ये इकोसिस्टम मैं आपके साथ प्रेजेंट करूं तो क्या आपको मुझे कन्विंस करने की जरूरत है ज्वाइन करने? बहुत इजीली। हमेशा जब भी प्लान दो ना 15 से 20 मिनट इकोसिस्टम को प्रेजेंट करने पे लगा, ठीक है ना? पेपर पे समझा रहे हो या प्रेजेंटेशन फाइल में समझा रहे हो या अपने लैपटॉप पे समझा रहे हो, 15 से 20 मिनट सिर्फ आप ये समझा दो, सामने वाले का वाई क्लियर हो जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी करने वाली क्या है, क्योंकि ये चीज उसको नहीं मिलेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइज की। इनका स्लोगन है इट्स टाइम टू राइज, ठीक है? अब नेक्स्ट राइज अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? लेकिन अब नेक्स्ट राइज और मीथर एक हो चुके हैं, ठीक है? तो नेक्सा राइज के अंदर मीथर के ही स्टेकिंग पैकेज बिकेंगे और मीथर वाले सारी नेक्सा राइज की सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। अब नेक्सा राइज अपने आप में एक बड़ी कंपनी है जो एसेंशियल सर्विसेज पे काम करती है। इसकी चार पांच सर्विसेज हैं, इनकी जो वेबसाइट पे जाना सर करो। ये nexarize.com है, ये कंपनी लंदन की ही कंपनी है, लंदन में ही रजिस्टर्ड है, ठीक है? और वहां के गवर्नमेंट जो उसकी, जैसे हम यहाँ पर MCA पे सारी चीजें देखते हैं, वैसे वहां के लंदन का जो गवर्नमेंट हाउस है उस पर हम सारी चीजें देख सकते हैं। इस कंपनी के बिजनेस, इन्होंने क्या अपनी लास्ट ईयर कितनी की इनकम दिखाई है, A to Z। जैसे नेक्स्ट मोबाइल, अब नेक्स्ट मोबाइल को अगर आप क्लिक करोगे तो इसका, इसने क्या कर रखा है इस कंपनी ने, इसने दो कंपनियों से टावर रेंट पे ले रखे हैं। टावर, तो टावर किन दो कंपनियों से ले रखे हैं? एक नाम है सर, ये एग्री करके क्लिक करना है, एग्री करके। अब दो कंपनी कौन सी है आपको पता लग जाएगा, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोवाइडर कंपनी, ये देख रहे हैं आप, वोडाफोन और O2। O2 इंडिया में नहीं चलती लेकिन वोडाफोन तो इंडिया में चलती है। अब इस नेक्सराइज कंपनी ने इन दोनों कंपनियों से टावर ले रखे हैं। सर पूरे वर्ल्ड में है। अब इन्होंने जब टावर बाय कर रखे हैं तो जो भी आप यहाँ से सिम ऑर्डर करेंगे वोडाफोन की या O2 की, तो वो सिम फोन भेज रहा आपको नेक्सराइज भेज रहा, ठीक है? और उसको जो बिल आप पे करेंगे वो भी नेक्सराइज को पे करेंगे। मैं कंपनी की गुडविल बता रहा हूं कि कितनी बड़ी कंपनी इसके साथ
आप यहाँ इंडिया में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इनका नेक्स्ट मोबाइल का प्रोडक्ट है और मोबाइल भी इनके साथ लॉन्च होगा। पावर बाय आप देख सकते हैं, ये नीचे प्लान है इनके, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल सारा कुछ। अब वापस जाना था, नेक्स्ट तरह इसको बैक कर लो, ये अब ये एकेडमी में आपको दिखा चुका हूँ, नीचे आइए, ये नेक्स्ट एजुकेशन भी बता चुके हैं, ये लाइफस्टाइल पे क्लिक करना है। अब ये इनका एक प्रोडक्ट है नेक्स्टराइज लाइफस्टाइल। अब कई लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत है, जैसे हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो भी आप होटल बुक करोगे और जो भी फ्लाइट बुक करोगे वो ये 110% गारंटी दे रहे हैं कि सब जगह से सस्ती मिले, 110% गारंटी लिख के दे रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको रेट सस्ता नहीं मिल रहा है और जहां पर सस्ता मिल रहा है उन्होंने एक पेज बना रखा है, वहां का स्क्रीनशॉट आप अटैच करो, उससे सस्ता ये दे। समटाइम सर्चिंग में कोई और कंपनी नहीं आ जाए, सब पे तो नजर नहीं रखी जा रही ना, कोई अगर आपको सस्ता दे रहा है तो उस सस्ते पे भी ये देंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर 110%, ये देख रहे हैं आप, बेस्ट प्राइस प्रोमिस गारंटीड ये लिख रही है कंपनी। नीचे की तरफ आना तो अब यहां पर और नीचे जो है बेनिफिट ये, अब यहां पर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। जैसे ही आप इनकी वो ले लेंगे सब्सक्रिप्शन, पूरे वर्ल्ड में वीआईपी लाउंज आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे जितनी बार आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो आप इनकी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। फ्लाइट इंश्योरेंस आपको मिलेगी, 3600 होटल क्रेडिट मिल रहे हैं, 1 credit is equal to $1, ठीक है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, $100 की सब्सक्रिप्शन है महीने की, लेकिन $100 में कितना दे रहे हैं, $3600 की वैल्यू के होटल क्रेडिट से दे रहे हैं, जो हर बुकिंग में थोड़े थोड़े यूज होंगे। वैसे तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ये भी यूज हो, मतलब मेक माई ट्रिप से तो ऊपर कुछ नहीं ना, मेक माई ट्रिप से भी डिस्काउंट मिलेगा। एक सर्विस है प्राइवेट मेडिजेट, अगर आप अपने घर से दूर 500 किलोमीटर दूर हैं और मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आती है कि आपको फ्लाइट से आना पड़ रहा है तो प्राइवेट जेट जाएगा आपको लेने, इनका इसी सर्विस के द्वारा 500 किलोमीटर दूर आपको लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से और आपके आसपास की लोकेशन पे ड्रॉप करेगा, जहां पर भी हेलीपैड होगा, ठीक है, जहां पर भी वो लैंड कर पाएगा। ये है वीआईपी कंसीज सर्विस। वीआईपी कंसीज सर्विस में क्या है, मान लो श्रीवास्तव जी बहुत बिजी हैं और इनके ब्रदर का बर्थडे है, ठीक है, ब्रदर रहता है इनका यूएस में और ये उस वक्त सो रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि मैं 12:01 पर उसको विश करूं, तो ये वीआईपी कंसीज पे कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर का ये नाम है, उसका बर्थडे है, तो वो बंदा आपके लिए इनके ब्रदर को विश करेगा। या आप कंसीज सर्विस पे ये बोलते हैं मैं ट्रैवल करना चाहता हूं दुबई, मुझे बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल और बेस्ट रूट मुझे फाइंड आउट करके बताइए, मेरी डेस्टिनी, मेरा डेस्टिनेशन ये है, तो वो पूरा प्लान बना के आपको दे देगा। अरे ये वर्ल्ड वाइड लीगल असिस्टेंस, अगर कहीं भी वीजा वूजा में कुछ भी दिक्कत आती है, अभी भी मैं फोन करूंगा ना तो वो अभी मेरा फोन उठाएगा 24/7, लेकिन ये हिंदी में नहीं बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है। ये 16 सर्विसेज है ऐसी, यहाँ पर तो भी कुछ दिख रही है ना, अगर हम इसको लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद नीचे जाना सर, जैसे यहाँ पर ये अलग अलग प्लान आ रहे हैं, वो नीचे चूज एग्जीक्यूटिव कीजिए, ऊपर ना, ऊपर 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 ये ऊपर ये वाला चूज दिस प्लान, ठीक है। अब ये देखिए $62 एवरी मंथ, पहली पेमेंट है $92 और ये सारे बेनिफिट आपको मिले जो मैंने बताए, ठीक है। आप इसको आप एज ए कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं,
एज ए ट्रेवल एजेंट भी यूज कर सकते हैं ना आप इन सर्विसेज को, यहाँ कोई बाउंडेशन थोड़ी है सर। अगर एक फ्लाइट बुक करने पे 500 रुपए बच रहे हैं तो क्या मारे, अगर महीने में 10 फ्लाइट बुक हो गई आप ही की अपनी 5,000 तो वो सेव हो गया, होटल पे पैसा सेव हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बेनिफिट्स है, 16 बेनिफिट्स है आपके। सर वापिस जाना, तो ये है नेक्सराइज, ठीक है ना। तो नेक्सराइज को आप छोटी मोटी कंपनी ना समझे, और इतनी बड़ी कंपनी जो बिल्कुल एक एक सेंट इसका वाइट में है सारा कुछ, और ये कंपनी जब काम कर रही है और काम करते करते अच्छा खासा काम चल रहा है और मिथर के साथ ये आती है, तो जाहिर सी बात है इसने भी मिथर के अंदर कुछ देखा होगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं। इधर हम नेक्सराइज की हो गए या नेक्सराइज हमारी हमारे साथ हो गई या हम दोनों एक साथ। सर मैं आपकी वाइफ से पूछू, आपकी शादी वर्मा जी से हुई है, वर्मा जी की शादी आपके साथ? सर जब साथ में काम कर रहे हैं तो मैंने हाथ बढ़ाया उसने हाथ बढ़ाया, हम कैसे डिसाइड करें, बस साथ में काम हो रहा है, आपको सारी सर्विसेज मिल रही है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है ना कि वो आपके प्रोडक्ट को अपनी कम्युनिटी में सेल कर रहा है, आपको इंसिस्ट नहीं कर रही ना कंपनी कि आप इनका प्रोडक्ट बाय करो। सर ये $49 में लाइसेंस मिल रहा है आपको 160 कंट्रीज में इन सर्विसेज को सेल करने। अगर आपने लाइसेंस ले लिया आप तभी किसी को सिम दिला सकते हैं, ठीक है। आपने लाइसेंस ले लिया तभी आप जाके सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्सराइज़ ये भी $49 में मिला है, 1 अक्टूबर से यही $99 में मिले। ले लिया ना तो बढ़िया, उसी रात तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया, नेक्सराइज़ प्रोटेक्ट, इनका इंश्योरेंस भी है, इनका एनर्जी। अब यहाँ पर बैठे बैठे अगर आपका कोई नोन है जो लंदन में रहता है, वो गैस भी यूज करता है, बिजली भी यूज करता है, वो किसी भी कंपनी की गैस बिजली यूज करे, अगर वो नेक्सर इसके इसके थ्रू बिल पे करता है, फॉर एग्जांपल उसने एक साल में 10,000 pounds बिल पे कर दिया, तो उस 10,000 pounds पे अगर आपने 100 pounds भी सेव कर लिए तो कैसा रहे, जबकि वो लंदन में बैठा आप इंडिया में बैठे हैं। तो इस तरह के एनर्जी पे भी आप पैसे बना सकते हैं, होम केयर, ठीक है, एजुकेशन, सिक्योरिटी। इनका सिक्योरिटी सिस्टम भी ऐसा है, वहां की वेरी श्योर एक कंपनी है, आप लिख सकते हैं लंदन की बड़ी कंपनी है। ये जो प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं ये वेरी श्योर से दे रहे हैं, वेरी श्योर आपके घर को प्रोटेक्ट करेगी। आपके घर पे कोई अनवांटेड ऐसे, वहां कैमरा लग जाता है, कोई ऐसा दिख रहा है कि मतलब वो चेहरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो विद इन 15 minutes आपके घर पे इनकी टीम पहुंच जाती है आपके घर वालों को प्रोटेक्ट करने, ठीक है। तो ये नेक्सराइज का इकोसिस्टम है, ये नेक्सराइज के फाउंडर मिस्टर अहमद मुख्तार। अगर मैं अहमद मुख्तार के बारे में बात करूं तो अहमद मुख्तार इस इंडस्ट्री से उस वक्त में 250 crore रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, कितना, और इन्होंने 12 साल एक ही कंपनी की है, उस कंपनी का नाम है ACN, जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है, ACN, ठीक है। अगर आप YouTube पे डालोगे अहमद मुख्तार ACN तो अगर इसका लाइफ स्टाइल का 8 साल पुराना वीडियो देख लेंगे तो आप मिल जाएंगे। अभी ये जिस घर में रहता है उस घर की कीमत ही 100 crore रुपए है लंदन के, 100 crore के घर में रहता है। और तकरीबन जो घड़ियों का कलेक्शन है, मेरे पास तो सस्ती वाली है, इनके पास तकरीबन 20 crore रुपए की सिर्फ हैंड वॉचेस है, हाथ में पहनने वाली। ये जो घड़ी दिख रही है ना आपको, ये दिख रही घड़ी, ये घड़ी 50,000 pounds मतलब 50 lakh रुपए की, देखिए। अभी क्या, अभी हमारा फोकस है पैसा कमाने, जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, अब ये बेल्ट दिख रही है आपको मेरी, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, LB, ये कितने की बेल्ट होगी जज करो, कितने की होगी सर बताइए, कितने की बेल्ट होगी
दो तीन हजार की होगी सर, 2000 की होगी। बता सकते हैं कितने की? ये बेल्ट है 1,20,000 रुपए। किस कंपनी का? एलवी। ठीक है, ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है